हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्रैल महीने का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आया था उसके बाद आप लोगों ने बोला था कि बहुत सारे टेस्ट इसके करने हैं, तो अंतुतु स्कोर टेस्ट है, बेंचमार्क के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के मैं करूँगा इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट, क्योंकि बहुत टाइम से इस फ़ोन को 2.5 साल हो गए हैं और हमने इसका चार्जिंग टेस्ट लगातार किया है हर अपडेट के बाद। तो इस अपडेट के बाद भी हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री मैंने कर रखा है एसी चलाकर। तो उसमें क्या है, चार्जिंग टेस्ट करेंगे, फ़ोन कितना हीट होता है एसी चलने के बाद भी ये देखेंगे। बाकी चार्जिंग टेस्ट अभी शुरू करने वाला हूँ, अभी बिल्कुल फ़ोन डेड हो रखा है। ये देखिए पावर बटन दबा रहा हूँ, कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो अभी फ़ोन एकदम डेड हो रखा है। इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे और चार्जिंग टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी देर में ये 0 to 100 चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग को यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने स्विच दबा दिया है चार्जिंग का और यहाँ पर चार्जिंग का लोगो में भी थोड़ी देर में ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है हमारा चार्जिंग टेस्ट। बाकी अगर हम बात करें इस फ़ोन के अपडेट के बारे में, तो फ़ोन में वही वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी कि 5G से 4G अपने आप स्विच हो जाता है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैंने निकाल लिया। अगर आप कॉमेंट करेंगे कि 5G से 4G अगर आपका फ़ोन भी स्विच हो रहा है, जैसे 5G चलते चलते 4G हो जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप बच सकते हैं। जैसे कभी कभी ज़रूरत होती है हमें हाई स्पीड नेट की, तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली 4G हो जाता है, तो ऐसे में आपको उस 4G होने से कैसे बचना है वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। बाकी दूसरी प्रॉब्लम इसमें थोड़ी बहुत लैग इश्यूज़ आ रहे हैं। बाकी आप कह रहे थे कि BGMI खेलिए इसमें, और BGMI खेल के इसका बैटरी ड्रेन बताइए, FPS मीटर लगाकर बताइए। तो मैंने BGMI पिछले 3-4 दिन से लगातार खेल रहा हूँ BGMI, और दिन में करीब करीब 4 घंटे तक लगातार BGMI खेल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, इस चार्जिंग टेस्ट के बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं सारा कुछ बता दूंगा कि कितना बैटरी जाती है जा रही है और कितना क्या कैसा हो रहा है BGMI खेलते टाइम, और किस तरह से फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, किस सेटिंग पे हम खेल सकते हैं BGMI, वो सारा कुछ आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल इसमें चार्जिंग टेस्ट हमने शुरू कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और 3:51 पर हमने चार्जिंग स्टार्ट करी थी। 2% चार्ज हो भी गया इतनी बात करते करते, तो यहाँ पर 3:51 पर शुरू हुआ था, 2% चार्ज हो चुका है। बाकी हम एंड तक देखेंगे कि कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड तक देखेंगे कितना चार्ज हो जाएगा और कितनी देर में चार्ज होगा। तो 100% होगा तब मैं आपको मिलूँगा, बीच में भी एक दो बार बता दूंगा कि कितना चार्ज हो गया है। वैसे मैं आपको एंड में ही मिलूँगा कि कितना चार्ज हो गया कितनी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर 2% चार्ज हो चुका है, बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है, कितना टाइम लगता है इसको 100% चार्ज होने में। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम नॉर्मल व्यक्ति चार्ज करता है कि अपना नेट ऑन करके चार्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस भी ऑन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी यूट्यूब वगैरह के नोटिफिकेशन रहते हैं वो सारे के सारे ऑन करके चार्ज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने एयरप्लेन पर लगाकर चार्ज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल फ़ोन की तरह चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा डल इसीलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मैट टेम्पर्ड ग्लास लगाया है आपके BGMI टेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी में थोड़ा स्क्रीन चिपकती है अगर नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास होते हैं सुपर एक्स वगैरह, तो इसलिए मैंने मैट टेम्पर्ड ग्लास लगाया है जिससे कि अच्छे से BGMI टेस्ट कर पाऊं। तो बाकी नॉर्मल तरीके से चार्ज हो रहा है, फोन में 5G लगातार बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि मैंने इसमें 5G इनबिल्ट यहां पर डाल रखा है जो कि 4G में स्विच हो जाता था, उसका सलूशन मैंने ढूंढ लिया है। बाकी अगर आप लोगों को भी पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी को पता करना है कि कैसे करें यहां पर डायरेक्ट 5G हमेशा रहे, तो उसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो फोन हमारा चार्ज हो रहा है, बाकी इसको चार्ज होने देते हैं, 100% पर मिलता हूं मैं आपसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फोन हमारा 100% चार्ज हो चुका है, 4:55, ये 5 मिनट पहले ही हो गया था चार्ज। तो लगभग 58 मिनट से 1 घंटा लगा है इसको 0 to 100% चार्ज होने में। तो पहले से ज़्यादा टाइम लगने लगा है, पिछले अपडेट्स में भी 55 मिनट, 1 घंटा, एक बार तो अपडेट आया था तो 1 घंटा 20 मिनट भी लगे थे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम था। लेकिन अभी क्या है, 1 घंटे के अंदर हमारा फ़ोन पूरा चार्ज हो चुका है। और जैसे ही चार्ज हुआ है फुल, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आई है, जैसे हमने अपडेट किया था ना, तो अपडेट के बाद ये वाली प्रॉब्लम आई थी मेटीज़ की, कुछ लोकेशन मांग रहे हैं हर चीज़ में, जैसे कैमरा खोलते टाइम लोकेशन मांग रहे थे और वो तो चलो नॉर्मल है, लेकिन अपडेट के बाद ये वाली प्रॉब्लम आने लगी कि लोकेशन को अलाउ करने को कहते हैं लेकिन आपको अलाउ नहीं करनी है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में कि क्या है ये, क्या नहीं है, क्यों आता है। तो एक्स को एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी फ़ोन हमारा फुल चार्ज हो चुका है 100%। यहाँ पर ये देखिए चार्जिंग सिंबल भी जा चुका है, 4:50 पे लगभग चार्ज हो चुका था हमारा फ़ोन, और 3:50 3:51 पे मैंने शुरू किया था। तो यही था कुछ इसका चार्जिंग टेस्ट। अगली वीडियो में मैं अंतुतु टेस्ट और बेंचमार्क के सारे टेस्ट लेकर आऊँगा आपके लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं इस अपडेट के बाद उनके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।